आखिर तुमने वही किया जो हम नहीं चाहते थे। आज तक एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आखिर आप चाहते क्या? क्या आप ये चाहते हैं कि एक के बाद एक की मौत होती रहे और हम चुपचाप देखते रहे? पहले डॉक्टर गुप्ता की मौत हो गई, फिर अली मारा गया, आज इस प्रलयनाथ के पिल्ले ने मुझ पर गोली चलाई। ये देखिए, अगर मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी होती तो मरने वालों की लिस्ट में मेरा भी नाम जुड़ जाता। लेकिन इसने तुम पर गोली क्यों चलाई? क्योंकि मैंने इसे मजबूर किया था। इसके खिलाफ सारे सबूत मैंने पहले ही इकट्ठा कर लिए थे। सवाल था उंगलियों के निशान का, जो इस रिवॉल्वर पर मौजूद है। एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं सर, अनिता चौधरी का कातिल और राधा टंडेल से शरीर संबंध रखने वाला यही है रसिकनाथ। डीआईजी के बेटे संजय को फंसाया है क्योंकि वो अपने बाप के कातिल का चश्मदीद गवाह है। वागले, अब हम इसे उस अस्पताल में ले जाएंगे जहां इसके अंदर के छुपे हुए राज एक बीमारी की तरह बाहर आ जाएंगे। जो दुश्मन यहां बांधा गया समझो उसकी अर्थी उठ गई। हमारा ये हथियार आग उगलता है। जो कुछ हमने पूछा अगर उसका जवाब तुमने सच सच नहीं दिया तो ये हथियार तुम्हें जला डालेगा। मगर आप चाहते क्या हैं? प्रलयनाथ गिरना स्वामी तुम्हारा बाप है। हाँ जी, हाँ जी। और अब वही इस देश को खत्म करने की तैयारियां कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल।